खबर पोहरी थाना क्षेत्र की है, जहां खाने के पैसों के लेनदेन को लेकर एक शख्स के साथ जाति सूचक गाली गलौज कर मारपीट कर दी गई, जिसकी शिकायत फरियादी ने थाना पहुंचकर की है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार फरियादी सुरेंद्र परिहार पुत्र रामहेत उम्र 23 साल निवासी रिजोदा ने थाना पहुंचकर बताया कि वह शिवपुरी रोड स्थित शिव शक्ति होटल पर खाना खाने गया हुआ था। खाना खाने के बाद बिल के पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया, जहां अनावेदक शख्स जाति सूचक गाली गलौज करने लगा, मना करने पर मारपीट कर दी। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर धारा 323, 294, 506, 34 सहित SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पौरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जी, फरियादी ने हमें थाने पर आकर सूचना दी कि शिव शक्ति होटल पर वो खाना खाने के लिए गया था, जहां बिल के पैसों को लेन देन के मामले पर जो होटल मालिक था उसके द्वारा जाति सूचक सब गालियाँ दी गई फरियादी को। तो फरियादी ने गाली देने से मना किया, जिस पर से जो होटल मालिक था उसके द्वारा फरियादी के साथ मारपीट की गई। तो इसके अंदर मारपीट और SC/ST एक्ट का मामला दर्ज कर लिया गया, जो बेबेज मामला।